तो दोस्तों फाइनली टेक्नो कैमोन 19 सीरीज का फर्स्ट स्मार्टफोन आज ऑफिशियली लॉन्च हो गया है और यह फोन एक गेमिंग स्मार्टफोन निकल के आया है। मैं बात कर रहा हूं टेक्नो कैमोन 19 नेव के बारे में, जिसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। फोन का डिजाइन, सारे फीचर्स, प्राइस सब कुछ निकल के आ चुका है। और अगर आप जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में डिटेल्स में, यानी टेक्नो कैमोन 19 नेव के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों टेक्नो कैमोन 19 सीरीज ग्लोबली जो है लॉन्च होने वाला है शायद 14 तारीख, और उस लॉन्च इवेंट में आपको 3-4 फोन शायद देखने को मिलेगा। टेक्नो कैमोन 19, 19 नेव, 19 प्रो 5G, 19 प्रीमियर, तो काफी सारा फोन आपको देखने को मिल सकता है। बट उनमें से एक फोन आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है टेक्नो कैमोन 19 नेव। अब दोस्तों इस फोन का डिजाइन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। फोन का बैक पैनल काफी अच्छा लग रहा है, ग्लोसी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर जो है इस फोन को लॉन्च किया गया है। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो आपको टेक्नो स्पार्क 9 प्रो का जैसे आपको देखने को मिलेगा। मतलब दो कैमरा मॉड्यूल है, ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। तो ये हो गया दोस्तों टेक्नो कैमोन 19 नेव का बैक पैनल। अब फ्रंट की बात करें तो यहां पर आपको पंचुअल डिस्प्ले फ्रंट में दिया गया है। तो टेक्नो स्पार्क 9 प्रो जो आया था वहां पर आपको वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले मिला था, बट यहां पर पंचोल डिस्प्ले दिया गया है। बाकी दोस्तों जो फीचर्स वगैरह है सिमिलर सा है टेक्नो स्पार्क 9 प्रो का, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो डिस्प्ले यूज किया गया है 6.8 इंच का डिस्प्ले है, जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, बट ये वाला डिस्प्ले पंचोल है और साथ में यहां पर 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और डिस्प्ले में जो पंचोल दिया गया है दोस्तों, वहां पर जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर यूज किया गया है। तो देखा जाए भाई टेक्नो स्पार्क 9 प्रो में भी यही सेल्फी कैमरा यूज किया गया था। बाकी दोस्तों बैक साइड का कैमरा की बात करें तो दो कैमरा मॉड्यूल है, जहां पर मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल यहां पर दिया गया है। बट दोस्तों टेक्नो स्पार्क 9 प्रो जो है 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आया था, तो यहां पर 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर दिया गया है। मेन सेंसर, दो अलग से सेंसर मिलेगा, LED लाइट भी है, और इसी साथ दोस्तों यहां पर गेमिंग चिपसेट यूज किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये फोन एक गेमिंग स्मार्टफोन है, तो यहां पर दोस्तों आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का चिपसेट मिलेगा, जो कि ऑफिशियली दिया गया है, और ये वाला चिपसेट 10,000 के आसपास आपको इंडियन मार्केट में मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर ये जो फोन है आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा। और बैटरी डिवर में नजर देते हैं तो गाइस यहां पर आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो 2 दिन चल जाएगा, हैवी यूज करेंगे फिर भी 1 दिन चल जाएगा। 18W का फर्स्ट चार्जिंग दिया गया है दोस्तों यहां पर टाइप सी का पोर्ट के साथ। इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 मिलने वाला है इस फोन में, साथ में आपको हाई OS मिल जाएगा। सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पर फ्रंट में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है, और यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। तो यह है दोस्तों टेक्नो कैमोन 19 का जो डिजाइन वगैरह है और जो फीचर्स है वो मैंने आपको बताया। अब यह जो फोन है अभी बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है दोस्तों, और बांग्लादेश में प्रे ऑर्डर भी स्टार्ट हो चुका है। बट अगर बात करते हैं इंडिया का, तो गाइस इंडिया पे अभी तक आया नहीं है। शायद ये फोन इंडिया पे आ सकता है, और अगर आता है तो शायद नाम भी चेंज हो सकता है मेरे ख्याल से। देखते हैं क्या नाम में ये फोन इंडिया पे आता है। बाकी आपको क्या लगता है फीचर्स के हिसाब से प्राइस कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो 10,000 के आसपास होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।